दोस्तों का ग्रुप जब उस वीरान आइलैंड पर पहुंचा, वहां पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ कि आसपास कोई और भी है। ये बात अपने बाकी साथियों को बताया, मगर दोस्तों का कहना है कि इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता, आइलैंड है पूरी तरह वीरान। ये जंगल के रास्ते आगे बढ़ ही रहे थे, तभी सामने दिखाई पड़ा एक शख्स जिसका पूरा शरीर खून से सना पड़ा है। देखते ही देखते वह उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया, पर मरने से पहले कहकर गया कि जितना जल्दी हो सके आइलैंड से भाग जाओ। कहानी की शुरुआत हुई समंदर के बीच एक बोट से, जिस पर है एक कपल। ये समंदर में आए थे घूमने के लिए। इसी तरह आगे भी कई घंटों तक समंदर का सफर चलता रहा। चारों तरफ फैले पानी तथा खुले आसमान को एंजॉय कर ही रहे थे, तभी सामने कुछ धुंधला धुंधला दिखाई पड़ा। जब और नजदीक पहुंचे तो पता चला यह कोई छोटा सा आइलैंड है। आइलैंड को देखते ही दोनों उसी तरफ जाने को सोचे, क्योंकि आज से पहले इन्हें इस आइलैंड के बारे में कुछ पता नहीं था। थोड़ी देर बाद दोनों पहुंच गए टापू पर। बीच पर पहुंचते ही वह शख्स बोट को किनारे बांधने लगा। इसी टाइम उसकी वाइफ कुछ बताए बगैर जंगल में जाने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे सामने कुछ अजीब सा दिखा। नजदीक पहुंचकर पता चला यहाँ एक कैंप है, पर यहाँ इंसानों का नामो निशान नहीं है। चारों तरफ बाड़ फ्रेम है। उसी के थोड़ी दूर पर था एक केबिन। जैसे ही केबिन की तरफ बढ़ी, अचानक महसूस हुआ जैसे उसके आसपास कोई दूसरा भी है। इससे पहले वह समझ पाते कि आखिर वह अनजान चीज है क्या, पलक झपकते ही उस पर हमला हुआ। अनजान सी चीज उसे घसीटकर दूर ले जाने लगी। मदद के लिए उसने कई बार आवाजें लगाई, पर किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। समय के साथ हादसे के बीते हुए कई हफ्ते हो गए। कुछ हफ्तों बाद उसी आइलैंड पर कुछ दोस्तों का ग्रुप जाने वाला था। इस ग्रुप में दो भाई थे, एक जॉन तो दूसरा मैट। दोनों भाइयों के साथ बाकी दोस्त भी इस ट्रिप के लिए काफी खुश थे, क्योंकि ये अगले कई दिनों तक इसी टापू पर रहेंगे, एंजॉय करने के साथ चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। दरअसल उस आइलैंड पर उनके अंकल का घर था, पर कई वर्ष पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। अब वे नहीं रहे इस दुनिया में। वही एक अकेले थे जो थे उस आइलैंड पर उनके मरने के बाद वह आइलैंड पूरी तरह से सुनसान हो चुका है, वहाँ कोई आता जाता नहीं। फाइनली थोड़ी देर की यात्रा के बाद ये भी आइलैंड पर लैंड हुए। प्लेन से सारा सामान लेकर आइलैंड की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें एक छोटा सा घर दिखाई पड़ा, जो था इन्हीं के अंकल का। दरअसल ये लोग इसी घर पर रुकेंगे। घर के अंदर आकर ये सभी बहुत खुश थे, क्योंकि आइलैंड पर पहुंचते ही इन्हें ऐसा जरा भी नहीं लगा कि इस तरह का घर मिलेगा, वो भी इस वीरान आइलैंड पर अंदर के इंटीरियर को देखकर काफी खुश हुए। यहाँ इंसान के रहने के लिए जिस चीज की भी जरूरत थी सब कुछ था वहाँ। फिलहाल आज का दिन इसी घर के आसपास ही गुजर गया। शाम होने से पहले सभी ने बहुत एंजॉय किया। अंधेरा होते ही सभी लोग घर में जा ही रहे थे, तभी उनमें से एक लेडी को छोटा सा डॉग दिखाई पड़ा। सारा उसे अपने पास रख ली। काफी अंधेरा होने के बाद ये लोग खाने पीने का बंदोबस्त करने लगे। इसी टाइम वह छोटा डॉग चलते हुए पहुंचा एक दूसरे दोस्त के पास। वह दोस्त डॉग को देखकर यही कहने लगा कि मुझे डॉग पसंद नहीं है, बल्कि पसंद है बिल्ली। इस तरह की अलग अलग बातें चल ही रही थी, न जाने क्यों वह छोटा डॉग घर से बाहर चला गया। कुत्ते को बाहर जाता देख सारा को उसकी फिक्र होने लगी। थोड़े समय तक तो वहीं रुककर डॉग के आने का इंतजार की, पर जब काफी लंबा समय गुजर गया वह वापस नहीं आया, तो उनमें से दो उसे ढूंढने बाहर गए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद फाइनली वह डॉग मिल गया। डॉग को पाकर ये खुश हो ही रहे थे, अचानक से इन्हें लगा कि यहाँ पर और कोई है। कुछ समझ पाते कि बगल से एक बड़ा डॉग आकर हमला कर दिया। दूसरा बंदा सारा को बचाने की कोशिश में लग गया। पूरी कोशिश के बावजूद वह सारा के पैर में काट लिया, पर और नुकसान पहुंचा पाता कि वह बंदा उसे डराकर वहां से भगा दिया। इस तरह जैसे तैसे जख्मी सारा को वापस घर में लाया गया। पैर के जख्मों का ट्रीटमेंट किया गया। जैसा कि यह पहला हमला था, इसलिए इन्होंने ज्यादा सीरियस नहीं लिया इस चीज को, पर कहीं न कहीं उनमें से कुछ लोग यही बात कर रहे थे कि आखिर इतना बड़ा डॉग यहां आया कैसे, इस आइलैंड पर तो कोई नहीं रहता। थोड़े डिस्कस के बाद इन्होंने इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। जैसे तैसे आज की रात गुजारी सुबह हुआ। सुबह सुबह उनमें से तीन लोग अपने प्लेन को देखने के लिए निकले, क्योंकि जहां पर प्लेन लैंड किया है वह घर था वहां से काफी दूर। वहां जा ही रहे थे कि बीच रास्ते में उन्हें वही शख्स दिखाई पड़ा जो कुछ हफ्ते पहले आया था अपनी वाइफ के साथ। जब ये उसे देखे तो देखकर दंग रह गए, क्योंकि उसका पूरा शरीर खून से सना था। वह आदमी जितनी जल्दी हो सके इन्हें आइलैंड छोड़कर जाने को कहा। इस आइलैंड पर चल क्या रहा है, पूरी बात समझा पाता कि एक दूसरा खूंखार
डाग आकर हमला कर दिया। हमले के बाद दोनों उसे बचाना चाहे पर अगले पल एक और डाग आ पहुंचा। दो दो खुखार डाग की वजह से ये दोनों उसे नहीं बचा पाए। वो उनके आंखों के सामने उसे जान से मार दिया। डाग इन पर भी हमला करते हैं कि ये लोग भागे घर की तरफ। थोड़ी देर भागने के बाद सामने के चट्टान पर कुछ और डाग दिखाई पड़े। कुत्ते जिस तरह उन्हें देख रहे थे ऐसा लग रहा था ये उन पर अचानक हमला करेंगे। ये थे शिकारी खुखार डाग। भागते भागते अब तक ये घर के काफी नजदीक पहुंच चुके थे, इसलिए और टाइम वेस्ट किए बगैर ये भागे घर की तरफ। ये जितनी ताकत से भाग रहे थे डॉग भी पीछा कर रहे थे उसी स्पीड से। जैसे तैसे ये भागकर घर के पास पहुंच गए। कुछ लोग तो अंदर भी चले गए पर एक लेडी घर में जाने से पहले फिसलकर गिर पड़ी। डॉग उसे खींचकर ले जाने लगा जंगल की तरफ। ये शिकारी कुत्ते अपने मकसद में कामयाब हो पाते इतने में उनका एक साथी आ पहुंचा जिसके पास था तीर धनुष। वह दूर से ही कुत्तों को मारने की कोशिश किया। कई तीर चलाने के बाद कुत्ते तो नहीं मरे पर एक तीर जाकर लग गई उस लेडी के पैर में। जैसा कि अब तक सभी लोग घर से बाहर आ चुके थे इसलिए सभी मिलकर डॉग को वहां से भगाने में कामयाब हुए। जख्मी साथी को घर में ले जाया गया। पैर में लगे तीर को निकाला गया। ट्रीटमेंट के दौरान उनमें से कुछ लोग बाहर देख रहे थे क्योंकि उन्हें डर है कहीं डाग फिर से ना आ जाए। थोड़ी देर बाद पता चला डाग घर के पास तो नहीं आ रहे पर दूर से ही घात लगाए हैं। वे बस इंतजार कर रहे हैं हमारे बाहर आने का। तीन तीन हमले के बाद सभी लोग डर गए थे, पहला रात के वक्त जबकि दूसरा हमला था उस शख्स पर और ये तीसरा अभी अभी। इसी टाइम इन्हें ख्याल आया कि मरने से पहले वह बंदा कहा था कि इस आइलैंड को छोड़कर चले जाओ। सभी ऐसा ही करना चाहें। सारा सामान समेटकर सी प्लेन की तरफ निकल पड़े। जाते वक्त सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर इन खतरनाक शिकारी कुत्तों का ग्रुप इस आइलैंड पर पहुंचा कैसे। डाग तो हमने बहुत से देखे हैं पर इतने खतरनाक कुत्ते देख रहे हैं पहली बार। दरअसल उस आइलैंड पर कई साल पहले आर्मियों की ट्रेनिंग होती थी। यहाँ कई सारे कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट होता था और फिर आगे चलकर उन्हीं कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती थी। पर एक दिन एक ऐसा समय आया जब इनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, यानी अब सब यहाँ से जाने वाले थे। सभी तो चले गए पर जो कुत्ते छोड़ गए वे समय के साथ और ज्यादा खूंखार हो गए। इस तरह इस आइलैंड पर जो भी आता है ये उसे मारकर खा जाते हैं। इधर ये जैसे ही समंदर के किनारे सी प्लेन के पास पहुँचे तो देखते हैं कि इनका जहाज अपनी जगह पर है ही नहीं जबकि बहकर चला गया है काफी दूर। दरअसल यहाँ के खूंखार कुत्तों ने सी प्लेन की रस्सी को काट दिया था जिस कारण प्लेन तैरकर किनारे से काफी दूर जा रही थी। पर यहाँ से निकलना है तो प्लेन को पास लाना बहुत जरूरी है। देरी किए बगैर उनमें से एक बंदा पानी में उतर पड़ा। तैरते हुए जैसे ही पहुँचा प्लेन के पास सामने कुछ ऐसा दिखा कि वहाँ रुकना सेफ नहीं था क्योंकि प्लेन पर बैठे थे कई सारे खूंखार डॉग। उस बंदे को मारने के लिए डॉग तुरंत पानी में कूद पड़े, उसका पीछा करने लगे पर डॉग उसे अपना शिकार बना पाते। जल्दी से वह किनारे पहुंचा। उसके दोस्तों ने उसे पानी से बाहर निकाला। इस तरह अब यहाँ पर भी रुकना सेफ नहीं है। ये वापस से घर की तरफ भागे क्योंकि वही घर एकमात्र ऐसा ठिकाना था जहाँ ये जाकर सेफ रहेंगे। जैसे तैसे गिरते पड़ते ये घर में पहुंच गए। अंदर आकर ये कुछ हद तक सुरक्षित तो थे पर कुत्ते ने उसके जिस साथी को काटा है समय के साथ उसके बिहेवियर में काफी चेंजेज आने लगे। हर समय उसकी हरकतें बदलती जा रही थी। ये अपने एक साथी को लेकर परेशान ही थे तभी उनमें से एक कहने लगा कि यहाँ हमारे अंकल रहा करते थे। इस घर के अलावा उनका एक ट्रेनिंग कंपार्टमेंट है। मुझे उम्मीद है वहाँ रेडियो सिग्नल अवेलेबल होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये बाहर से मदद बुला सकते हैं। पर उस अपार्टमेंट तक पहुँचने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि यहाँ से वह काफी दूर है। अगर ये पैदल निकले तो कई घंटे लग जाएंगे। क्या भरोसा इससे पहले शिकारी जानवर हमला कर दे। आगे इनके पास एक दूसरा रास्ता है। इस तरह अपार्टमेंट तक पहुँचने के लिए इन्हें एक कार की जरूरत थी। कार नीचे गैराज में थी। उसे लेने एक लेडी नीचे उतरी। कार जैसे ही मिला स्टार्ट करने की कोशिश की। काफी लंबे समय तक कोशिश चलती रही। ये एक प्रॉब्लम का सामना कर ही रहे थे अचानक से शिकारी कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनने को मिली। कुत्तों को पास देखकर डर गई। कार से बाहर निकलकर वापस ऊपर पहुंची। कुत्ते चारों तरफ से इस तरह घेर लिए थे कि ये ना ही अंदर रह सकते हैं ना ही जा सकते थे बाहर। इसी तरह आज का दिन भी खत्म हुआ। रात को जब सोने का समय आया तो किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। टाइम पास के लिए एक छोटी सी पार्टी की। पार्टी के बीच ही अचानक से बिजली चली गई। इस तरह
अब जनरेटर चालू करने के लिए किसी को नीचे जाना होगा बेसमेंट में। इस बार भी वही लेडी नीचे गई, पर नीचे पहुंचते ही वहां पर पहले से कुछ डॉग मौजूद थे, उस पर जानलेवा हमला कर दिए। उसकी आवाज सुन बाकी लोग बचाने के लिए पहुंचे, पर जब तक पहुंचे शिकारी कुत्ते उसे जान से मार दिए थे। एक साथी को मारने के बाद ये इन पर भी हमला किए, पर ये उन कुत्तों से बचते हुए जैसे तैसे वापस छत पर पहुंचे। जाते वक्त वहीं पर उनके अंकल के कुछ पेपर्स मिले, जिससे पता चलता है कि यह आइलैंड आर्मी का कैंप हुआ करता था। यहाँ कुछ शिकारी कुत्तों पर किए जाते थे एक्सपेरिमेंट, पर किसी रीजन की वजह से कैंप बंद हो गए। उनके जाते ही शिकारी कुत्तों ने कैंप पर कब्जा कर लिया। आइलैंड की सच्चाई जानने के बाद उनमें से दो लोग वापस नीचे पहुंचे। जैसे तैसे धक्का मारकर कार को बाहर लाया गया। इस बार किस्मत अच्छी थी कि इनकी मेहनत रंग लाई, कार स्टार्ट करने में कामयाब हुए। जैसा कि इस ग्रुप में 6 लोग थे, जिनमें से एक लेडी की डेथ हो चुकी है, बचे थे 5। तीनों लड़के जब कार स्टार्ट करके दोनों को लेने के लिए आए, तो उनमें से एक लेडी जिसे कुत्ते ने काटा था वह जाने से मना करने लगी। चारों को भी समझने में देरी नहीं हुई कि यह सब हो रहा है उस कुत्ते के काटने की वजह से। उसकी मेंटली कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से वह उनके साथ जाने से भी मना कर रही थी, पर ये किसी भी कंडीशन में उसे ऐसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। एक बंदा उसे ले जाने के लिए छत पर पहुंचा, समझाने लगा कि हमें यहाँ से चलना होगा, कुत्ते कभी भी हमला कर सकते हैं। वह उसे कार तक ले आ पाता कि एक डॉग आ पहुंचा। अचानक हुए हमले से इन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। उस टाइम वो लेडी खड़ी थी खिड़की के पास ही। कुत्ते ने इतनी तेजी से हमला किया कि ये दोनों लोग छत से नीचे गिर पड़े। नीचे गिरते ही उस लेडी की डेथ हो गई। अपने एक और साथी को खोने के बाद ये एक पल भी नहीं रुके, उस अपार्टमेंट की ओर निकल पड़े जहां पर इन्हें रेडियो वगैरह मिल सकता है। जाते वक्त बीच रास्ते में कुत्तों से भी सामना हुआ, पर ये चारों उन्हें चकमा देकर जैसे तैसे अपार्टमेंट तक पहुंच गए। ढूंढने के बाद रेडियो सिग्नल का टावर भी मिल गया, पर इलेक्ट्रिसिटी न होने की वजह से वह बंद पड़ा है। इस तरह उनमें से एक रेडियो सिग्नल लाने के लिए टावर पर चढ़ने लगा। टावर पर चढ़ते ही जैसे ही एंटीना को टच किया, उसे लगा बिजली का झटका। अब तक वह टावर के काफी ऊंचाई पर पहुंच गया था। जब नीचे गिरा तो वह था दूसरे साइड, जहां पहले से बहुत से कुत्ते मौजूद थे। सभी कुत्ते उस पर हमला कर दिए। ये कुत्ते उसे ज्यादा नुकसान पहुंचा पाते कि उनमें से एक साथी भागकर पहुंचा उसके पास, जैसे तैसे कुत्तों को डराकर दूर भगा दिया। इधर ये अपने साथी को छुड़ाने में व्यस्त थे ही, तभी देखते हैं कि रेडियो सिग्नल टावर में आग लग गई है। ये देख उनकी तीसरी साथी रेडियो सिग्नल के अंदर मौजूद सभी कुत्तों को जला दी। आग की वजह से अपार्टमेंट में हुआ एक जोरदार धमाका। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास मौजूद कुत्ते वहां से भाग गए। रेडियो सिग्नल के नष्ट होते ही यहां से बाहर निकलने का आखिरी रास्ता भी खत्म हो चुका है। आगे ये सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए, टावर भी नष्ट हो चुका है, बाहर से मदद की कोई उम्मीद नहीं। इसी टाइम एक साथी कहता है कि पास में मैंने एक बोट देखा है। दरअसल ये बोट वही है जिस बोट से कुछ समय पहले वे कपल आए थे। अब तक धमाके का इम्पैक्ट भी खत्म हो चुका था। ये यहाँ से बोट तक पहुँचने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी आसपास नजर पड़ी। देखते हैं कि शिकारी कुत्ते वापस से आ गए हैं, ये कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ होता कि उसकी साथी कार लेकर पहुंची। सभी लोग कार में बैठकर निकल पड़े बोट की तरफ। किनारे पहुंचते ही ये कार को ही पानी में कुदा दिए। इस तरह कुत्तों से बचकर जैसे तैसे बोट में पहुंचे। इस तरह ये उस कपल के बोट से तैरकर यहाँ से निकलने में कामयाब हुए। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो में बात की गई है उन कैदियों की, जिन्हें छोड़ा गया एक ऐसे आइलैंड पर जहां से भागना नामुमकिन था, पर उनमें से कुछ लोग आइलैंड से भागने का प्लान किए। जेलर को जैसे ही पता चला वे रोकने की कोशिश किए, पर उनकी हर कोशिश नाकामयाब साबित हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।